गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास नाइन्थ। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण, चैप्टर सेकंड, समास। समास किसे कहते हैं आज हम वो पढ़ेंगे। इंग्लिश में उसे कंपाउंड सेंटेंस भी कहते हैं। तो हमने पहले अध्याय में जाना कि शब्द निर्माण की प्रक्रिया में समास का भी प्रयोग किया जाता है, उसका भी अपना एक योगदान होता है। आज हम समास के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो समास शब्द का अर्थ है पास रखना या छोटा करना। इसीलिए समास को कहा जाता है शब्दों का संक्षिप्तीकरण करना। भाषा के प्रयोग में समासिक शब्दों के प्रयोग से संक्षिप्तता और शैली में उत्कृष्टता एवं सटीकता आती है। उदाहरण के लिए राजा का महल कहने के स्थान पर अगर हम राजमहल कहना अधिक उपयुक्त होगा। अगर हम ये सोचे राजा का महल, तो ये का जो ये कारक है दो पदों का मेल है और बीच में कारक का लोप हो गया है, तो नया शब्द तीसरा बन गया है आपका राजमहल, है ना। तो राजा का ये जो है कारक है, तो दो ये पहला पद ये है और दूसरा पद ये है। इसे पूर्व पद कहते हैं और इसे उत्तर पद कहते हैं, और पूर्व पद और उत्तर पद और इसे कारक कहते हैं। तो राजमहल जैसे, तो समास विग्रह हम करते हैं राजा का महल, राजमहल समास विग्रह करने पर राजा का महल बन जाता है। तो दो पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम समास कहते हैं। दो पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम समास कहते हैं। समास में कारक का लोप हो जाता है, ये कारक जो है ये हट जाता है, समास में कारक का लोप हो जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि शब्दों का संक्षिप्तीकरण समास कहलाता है। इससे स्पष्ट है कि दो से अधिक शब्दों के मिलने पर ही समासिक शब्दों का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में दो पदों के बीच आने वाले कुछ व्याकरण शब्दों का लोप करने से दोनों पद पास पास आ जाते हैं। इस प्रकार समास वह शब्द रचना है जिसमें, अंडरलाइन कर लीजिए, समास वह शब्द रचना जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द किसी स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। तो समास क्या है? समास दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। समास में कारक का लोप हो जाता है, अतः हम ये कह सकते हैं कि शब्दों का संक्षिप्तीकरण समास कहलाता है। ये परिभाषा मैंने पहले भी आपको बताई थी, ये परिभाषा आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, और नहीं तो अगर याद हो नहीं हो रही है तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। उदाहरण, तो आप पहले लिखेंगे समास किसे कहते हैं और फिर समास की परिभाषा लिखेंगे नोटबुक में। उदाहरण जैसे माता धन पिता, तो क्या बन गया? माता पिता। तो माता पिता, माता और पिता, समास विग्रह जब हम करते हैं तो माता और पिता करते हैं, और अगर और हटा दिया तो दिया जाए तो माता पिता बन जाता है और बीच में योजक चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे विश्राम गृह, तो विश्राम गृह विश्राम के लिए गृह, घोड़ा प्लस सवार, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। समासिक शब्द में प्रायः दो पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समास प्रक्रिया से बने पद को समस्त पद कहते हैं, और जो समास प्रक्रिया से जो शब्द बन नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे ऊपर देखें, ये जैसे राजमहल दिया हुआ है, तो ये क्या कहलाया? समस्त पद कहलाया। राजमहल क्या कहलाया? समस्त पद। तो जो शब्द बना समास प्रक्रिया के बाद वो क्या कहलाया? समस्त पद कहलाया। समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह करना मतलब तोड़ना या अलग करना, तो दोनों पदों को अलग अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह क्या कहलाता है? जो दो पद हैं, जैसे ये राजा राजमहल दिया हुआ है, तो इसके जो दो पद हैं राजा और महल, इन दोनों जो पद हैं इन दोनों को जैसे अलग अलग करना है, राजा का महल, तो दोनों पदों को अलग अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है। तो विग्रह करते समय लुप्त व्याकरणिक शब्द पुनः दिखाई देने लगते हैं। जैसे गंगा जल समस्त पद हुआ, तो गंगा जल ये को क्या कहेंगे? समस्त पद। गंगा क्या है? पूर्व पद, और जल क्या है? उत्तर पद। तो गंगा का जल समास विग्रह क्या हुआ? गंगा का जल। तो समास के लिए कम से कम दो पद चाहिए। समास होने पर दोनों या अधिक पद मिलकर एक संक्षिप्त रूप धारण कर लेते हैं। समास प्रक्रिया में बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। समास होने पर जहाँ संधि संभव होती है वहाँ नियमों के अनुसार संधि भी हो जाती है। समासिक प्रक्रिया से शब्द निर्माण, हिंदी में समास प्रक्रिया के अंतर्गत तीन प्रकार से शब्दों की रचना हो सकती है। तत्सम प्लस तत्सम शब्दों के समास से जैसे राष्ट्र धन पिता राष्ट्रपिता, तद्भव तद्भव शब्दों के समास से जैसे घोड़ा धन सवार घुड़सवार, विदेशी शब्दों के समास से जैसे हवाई धन जहाज तो हवाई जहाज, स्नान धन गृह स्नान गृह, बैल धन गाड़ी बैलगाड़ी, जेब धन खर्च जेब खर्च। दो भिन्न भाषाओं से आए शब्दों के मेल से बने समस्त पद संकर होते हैं। जैसे विदेशी धन तत्सम मिल गया तो जिलाधीश
विदेशी धन तद्भव पॉकेटमार, तत्सम धन विदेशी, योजना कमीशन, तद्भव धन विदेशी, डाकखाना, इस तरह जो है ये उदाहरण दिए हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे समास के भेद। अब हम समास की परिभाषा जान चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे समास के कितने भेद होते हैं। तो कुल मिलाकर समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। समास के 6 भेद होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो पहले अब हम पढ़ते हैं कि अव्ययी भाव समास क्या कहलाते हैं। प्रत्येक समास में 2 पद होते हैं। जिस समास का पहला पद प्रधान तथा अव्यय होता है, अंडरलाइन कर लीजिए, जिस समास का पहला पद प्रधान तथा अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय का कार्य करता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास में समस्त पद में जो पहला पद होगा वो क्या होगा, अव्यय होगा, तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। अव्ययी भाव समास लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि की दृष्टि से परिवर्तित नहीं होता है। तो अव्यय क्या कहलाते हैं, अव्यय वे शब्द कहलाते हैं जो लिंग, वचन और कारक और पुरुष के आदि की दृष्टि से परिवर्तित नहीं होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। तो देखिए समस्त पद आपका लिखा हुआ है यथा रूप, तो इसके 2 पद हैं यथा और रूप। तो ये जो यथा पूर्व पद है आपका, ये यथा क्या है, अव्यय है, इसलिए ये क्या है आपका, मतलब अव्ययी भाव समास है। जैसे आजन, तो आ और जन, तो आ जो है आपका है, तो ये अव्यय है और इसलिए ये आपका क्या कहलाएगा, अव्ययी भाव समास कहलाएगा। इस तरह रातों रात, रात ही रात में, हर घड़ी, प्रत्येक घड़ी, यथा समय, समय के अनुसार, प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, बेरोजगार, बिना रोजगार के, ये बे आपका अव्यय हुआ, इसमें प्रति अव्यय हुआ, इसमें यथा हुआ, इसमें हर हुआ, यहाँ रातों रात, तो ये हुआ। और बेनकाब, बे हुआ इसमें, और यथा बातों बात, और निर्भय, नी, सपरिवार, स, हाथों हाथ, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। तो इस तरह जो है आपके ये अव्यय शब्द कहलाए, अव्यय प्रथम पद अव्यय रहेगा तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। पुनरुक्त शब्दों में समानता होने पर ही अव्ययी भाव समास होता है। जैसे साफ साफ, तो बिल्कुल साफ, स्पष्ट, जल्दी जल्दी, है ना। तो समस्त पद आपका आजीवन, जीवन भर, यथाविधि, विधि के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, दिनों दिन, दिन प्रतिदिन, यथामति, मति, मति के अनुसार, आमरण, मरने तक, प्रतिमाह, प्रत्येक माह, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, बेअकल, बिना अकल के, भरपेट, पेट भर के, पेट भर कर, बदौलत, दौलत के साथ, हम सफर, सफर के साथ, प्रत्येक, प्रत्येक। तो अव्यय क्या है, अव्यय वे अभिकारी शब्द हैं जिनको लिंग, वचन और कारक और काल पुरुष पे रखने पर उनमें परिवर्तन नहीं होता, वे अव्यय कहलाते हैं। तो इनमें देखिए, जैसे आ, यथा, प्रति, दिनों, यथा, आ, प्रति, यथा, बे, भर, ब, हम, प्रा, ये क्या है आपके, अव्यय हैं, इसलिए ये अव्यय भाव समास है। ठीक, इतना समझ में आया अव्ययी भाव समास क्या कहलाता है। इसके बाद आता है तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। ये देखिए आपकी परिभाषा, हैंडलाइन कर लीजिए, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है और पूर्व पद, पहला पद गौण होता है। तत्पुरुष समास की रचना में समस्त पदों के बीच में आने वाले परसर्गों का लोप हो जाता है। जैसे पूजा घर, पूजा का घर, तो तत्पुरुष समास की रचना इस तरह की जाती है। तत्पुरुष समास की रचना प्रायः 2 प्रकार से होती है, संज्ञा प्लस संज्ञा, इसमें दोनों पद संज्ञा होते हैं। जैसे दीवार घड़ी, दीवार के लिए घड़ी, नरेश बाला, नरेश की बाला, संज्ञा धन क्रिया, इससे पहला पद संज्ञा होता है, दूसरा पद क्रिया होता है। और जैसे तुलसी लिखित, तुलसी के द्वारा लिखित, भूख मरा, भूख से मरा। कारक की दृष्टि से तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं, कर्म तत्पुरुष, कारण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान, संबंध और अधिकरण। इस तरह जो तत्पुरुष है वो कारक के हिसाब से आते हैं, कि जो कारक रहेगा उसी को हम कह देंगे उस तत्पुरुष के हिसाब से, वही कहलाएगा आपका। जैसे कर्म कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को अगर आता है बीच में, कारक जो है को है, तो कौन सा तत्पुरुष होगा, कर्म तत्पुरुष होगा। जैसे विद्या प्राप्त, तो विद्या को प्राप्त, तो ये जो को आया, ये कारक चिन्ह कौन सा को है, कर्म का है, है ना। तो कर्म का कारक चिन्ह कहलाता है को, इसलिए यहाँ पर ये को आया हुआ है, इसलिए ये आपका क्या कहलाया है, कर्म तत्पुरुष कहलाएगा। तो जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, को है, इसलिए ये आपका क्या है, कर्म तत्पुरुष है। इसी तरह स्वर्ग को प्राप्त, विदेश को प्राप्त, इसलिए परलोक को गमन, ग्राम को गत, तो ये इस तरह जो है इनको हम कहेंगे कर्म तत्पुरुष कहेंगे। तो इसमें पहला पद विद्या को प्राप्त,
जो क्या कहलाया, ये पहला पद विद्या का और दूसरा पद क्या कहलाया, प्राप्त, और बीच में क्या है, ये कारक चिन्ह कौन सा लगा हुआ, को लगा हुआ है, इसलिए ये कर्म तत्पुरुष है। कर्ण तत्पुरुष से के द्वारा विभक्ति का लोप है, तो मन चाहा, तो मन से चाहा, तो से है, इसलिए ये क्या है, कर्ण तत्पुरुष है। इसी तरह संप्रदान में को के लिए विभक्ति का लोप है, तो के लिए है। अगर इस विभक्ति का देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, तो यहाँ पर के लिए हट जाता है, तो ये कारक चिन्ह क्या है, के लिए है, इसलिए यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष लगेगा। और आप इसी तरह अपादान तत्पुरुष से प्रदूषण रहित, तो प्रदूषण से रहित, तो इसलिए यहाँ पर अपादान तत्पुरुष रहेगा। संबंध तत्पुरुष का के की भारतेंदु, भारत का इंदु, बिहार वासी, बिहार का वासी, समय तालिका, समय की तालिका, तो इस तरह का के की आया है कारक चिन्ह। जब का के की आता है तो क्या कहलाता है, संबंध तत्पुरुष कहलाता है। और अधिकरण तत्पुरुष में पर विभक्ति का लोप होता है, जैसे जलमग्न, जल में मग्न, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा, साहित्य श्रेष्ठ, साहित्य में श्रेष्ठ, इस तरह ये में पर विभक्ति का लोप हो जाता है, इसलिए ये अधिकरण तत्पुरुष कहलाते हैं। देखिए एक अन्य भेद, इसके बाद आपका आता है एक अन्य भेद, जिस समास का पहला पद नकारात्मक या अभावात्मक होता है उसे न तत्पुरुष समास कहते हैं। समस्त पद अनदेखा, ना देखा, अनजाना, ना जाना, निरोग, नहीं रोग, अकर्मण्य, ना कर्मण्य, नीरस, नहीं रस, निष्पाप, ना पाप, मतलब इस तरह जो ना आ जाते हैं समास विग्रह करने पर, तो वो क्या कहलाते हैं, न तत्पुरुष कहलाते हैं। ठीक, इतना समझ में आया, जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास से पूछ लीजिएगा, आगे कल पढ़ेंगे।